साल 2019 में चिली की एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी के साइंटिस्ट जब 70 करोड़ लाइट ईयर दूर सीटस कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक गैलेक्सी होर्नबर्ग 15A को ऑब्जर्व कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि इसके सारे स्टार्स किसी सेंट्रल ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट कर रहा है। हमारी अपनी गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे की तरह होर्नबर्ग 15A के बीच में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हर एक गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद होता है, लेकिन मैं आपको होर्नबर्ग 15A के बारे में क्यों बता रहा हूँ? वेल, इसका रीजन है इस ब्लैक होल का साइज और इसकी मास। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सोलर सिस्टम के सूरज से 4000 करोड़ गुना से भी ज्यादा भारी है और शायद इस यूनिवर्स में अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल है। जब हम अपने सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा सूरज इसका 99.86% मास ऑक्युपाई करता है। हमारे सूरज का टोटल मास करीब 2 ऑक्टिलियन टन्स है। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसको इमेजिन करना भी मेरे और आपके लिए इम्पॉसिबल सी बात है। जस्ट फॉर कंपैरिजन, सूरज का मास हमारी धरती से 3,30,000 गुना ज्यादा है। वही इसकी रेडियस 109 धरती के बराबर है। यानी कि सूरज अगर एक बास्केटबॉल है तो धरती एक कांच की साइज से भी कई ज्यादा छोटी है। लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके सामने हमारे सूरज का मास धूल के कण के बराबर भी नहीं है। मिल्की वे के सेंटर में स्थित सजिटेरियस से ब्लैक होल का मास सूरज से 40 गुना ज्यादा है, तो इसकी रेडियस भी सूरज के कंपैरिजन में 31 टाइम ज्यादा मानी जाती है। लेकिन जब बात होर्नबर्ग 15A गैलेक्सी में स्थित ब्लैक होल की होती है तो इसके सामने दूसरे सभी ब्लैक होल्स बौने साबित होते हैं। वैसे क्या कभी आपने सोचा है कि अगर होर्नबर्ग 15A ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में होता तो ये कहाँ तक फैला हुआ होता? सोलर सिस्टम का सबसे दूर वाला प्लैनेट नेपच्यून है। ये सूरज से करीब 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, यानी कि 447 करोड़ किलोमीटर की दूरी। लेकिन ये इस ब्लैक होल की रेडियस का 1/10 पार्ट भी नहीं है। इंसान का बनाया आज तक का सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित ऑब्जेक्ट है नासा का वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट। साल 1977 में लॉन्च होने के बाद ये करीब 45 सालों से स्पेस में ट्रैवल कर रहा है और सोलर सिस्टम के हीलियोस्फीयर को पार करके फिलहाल सूरज से करीब 2300 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन ये दूरी भी होर्नबर्ग 15A ब्लैक होल की रेडियस के सामने कहीं नहीं टिकती। अगर होर्नबर्ग 15A हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में होता तो इसकी रेडियस 12,000 करोड़ किलोमीटर तक फैली होती, मतलब ये करीब करीब ऑर्ट क्लाउड की इनर बाउंड्री तक सोलर सिस्टम को कवर कर लेता। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बायनामो के बारे में बताने वाला हूँ। ये दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि गूगल, एप्पल, बिटकॉइन, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे कि US डॉलर और यूरो वगैरह भी, और आपको 90% प्रॉफिट तक मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगा या फिर घटेगा। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मैं एक 700 रुपीस का ट्रेड अप्पे करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और थोड़ा सा रुकते हैं। यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम में सिर्फ 24 घंटे के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपीस है। और हाँ, आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो जिससे कि आपको डबल डिपॉजिट हो जाएगी। यानी कि जैसे आप 400 रुपीस का टॉप अप करेंगे तो आपको 800 रुपीस मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन लिंक से बायनामो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीस पाइए, जिससे अपने ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आपको एक्सपीरियंस होगा उतनी ही आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेडिंग कीजिए क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपकी कैपिटल रिस्क में होती है। तो फ्रेंड्स, आज ही बायनामो डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो 12,000 करोड़ किलोमीटर तक फैला इस ब्लैक होल का मैसिव नंबर सुनने के बाद आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर एक ब्लैक होल कितना बड़ा हो सकता है। साइंटिस्ट के अनुसार हमारे यूनिवर्स में सूरज से 5,000 करोड़ गुना से भी ज्यादा मैसिव ब्लैक होल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। होर्नबर्ग 15A की खोज से पहले धरती से 1,040 करोड़ लाइट ईयर दूर स्थित टोन 618 सुपर मैसिव ब्लैक होल यूनिवर्स का सबसे बड़ा ब्लैक होल था, जिसका मास सूरज से 6,600 करोड़ गुना ज्यादा माना जाता था। हालांकि रिसेंट कैलकुलेशन की माने तो इसका मास उससे आधा भी नहीं है। और इसी तरह होर्नबर्ग 15A यूनिवर्स का सबसे बड़ा ब्लैक होल है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि होर्नबर्ग 15A की साइज का ब्लैक होल इस यूनिवर्स में बना कैसे होगा? साइंटिस्ट की माने तो इसका फॉर्मेशन अर्ली यूनिवर्स में तो मैसिव ब्लैक होल्स की टक्कर से हुआ होगा। मतलब वो दो गैलेक्सीज आपस में कोलाइड हुए होंगे और उनके सेंटर में स्थित ब्लैक होल्स समय के साथ मर्ज हो गया होगा। हालांकि होर्नबर्ग 15A की साइज को देखकर ये स्पेकुलेशन भी लगाई
जाते हैं कि यह सिर्फ दो नहीं बल्कि उससे ज्यादा गैलेक्सीज के मर्ज होने पर ही हुआ होगा। वैसे अगर आप एक सच्चे स्पेस लवर है तो गैलेक्सीज का कोलिजन सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले एंड्रोमेडा गैलेक्सीज की इमेज बनी होगी। धरती से 25 लाख लाइट ईयर दूरी पर स्थित एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी ओर 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे आ रही है और आज से करीब 450 करोड़ साल बाद ये मिल्की वे से टकराने वाली है। तो क्या इन दोनों गैलेक्सीज के कोलिजन से होलनबर्ग 50 ने जैसा कोई ब्लैक होल बन सकता है? इस सवाल का जवाब इन दोनों गैलेक्सीज के बीच होने वाले कोलिजन में ही छिपी है। अगर एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे की साइड से टकराती है तो इन दोनों गैलेक्सीज के कुछ सितारे आपस में कोलाइड हो सकते हैं और कई स्टार्स हमेशा के लिए दूर अंतरिक्ष की सैर पर निकल सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में इन दोनों गैलेक्सीज के ब्लैक होल्स आपस में कभी टकराएंगे नहीं। हालांकि अगर एंड्रोमेडा गैलेक्सी सीधा मिल्की वे के सेंटर की ओर आती है तो दोनों ब्लैक होल्स का मर्ज होना तय है और इससे एक बहुत ही बड़ा सुपरमैसिव ब्लैक होल बन जाएगा। बट अगेन इसकी साइज का अंदाजा आज से नहीं लगाया जा सकता। पर जब ये दोनों ब्लैक होल्स आपस में कोलाइड करेंगे तब एंड्रोमेडा और मिल्की वे को मिलकर बनी मिल्ड्रोमेडा गैलेक्सी में एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है जो कई हजार लाइट ईयर तक के सोलर सिस्टम और वहाँ रहने वाले पोटेंशियल लाइफ फॉर्म को बर्बाद कर देगा। हालांकि इस एक्सप्लोजन की आंच सजिटेरियस से 26,000 लाइट ईयर दूर स्थित धरती तक नहीं आने वाली और अगर आ भी गई तो आई गेस उस समय तक तो हम इंसान इस ग्रह को पहले ही बर्बाद करके दूर अंतरिक्ष में कहीं रह रहे होंगे। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या उस समय इस धरती पर कोई जीव रह पाएगा और क्या हम इस यूनिवर्स में होलनबर्ग 50 से भी ज्यादा बड़ा ब्लैक होल ढूंढ पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।